बहन जी, हमें इस पते पे जाना है, क्या आप बता सकते हैं कैसे जाए? वो क्या है ना, हम रामपुर गांव से आए हैं और इस शहर में नए हैं। क्या बात कर रहे हो, आप रामपुर गांव के हो? तो आप मेरे ही गांव के हो, मैं भी रामपुर की ही रहने वाली हूँ, यहाँ कैसे आना हुआ? क्या करे, गाँव में कहाँ कुछ है, ना ही पाठशाला है, ना ही बिजली है, और अस्पताल के नाम पे टूटा फूटा कमरा है, और डॉक्टर साहब तो कभी दिखते ही नहीं। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है हम यहाँ के ही बस जाए। आधी रोटी खा के भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन गांव तो वापस नहीं जाएंगे जी। लेकिन सरकार ने तो सारी सुविधा गांव में उपलब्ध करवाई है। सुविधा है? कैसी सुविधा? ये सारी सुविधाएं समाचार पत्रों के पन्नों में ही अच्छी लगती है जी, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। आज हमें यूं अचानक इस तरह कैसे बुलाना हुआ? कल मेरी मुलाकात हमारे गांव के एक आदमी से हुई। उसमें कौन सी नई बात? नई बात तो कुछ नहीं है, पर बात थोड़ी गंभीर है। नमस्ते सरपंच जी, हमने सुना है इस गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं? समस्याएं? कौन कौन सी समस्या नहीं है वो बताइए। शिक्षक था पर देने के लिए तनख्वाह नहीं थी। सरकारी अस्पताल के नाम पे टूटा फूटा कमरा है, पर डॉक्टर साहब वो तो ईद का चांद है, कब आते हैं कब जाते हैं कुछ मालूम ही नहीं। और कृषि तो हो रही है पर उपज नहीं आ रही। पर अगर फसल हो भी जाए साहब जी तो भी क्या फायदा, दाम थोड़ी ना अच्छे मिलने वाले। और क्या बताओ, समस्याओं का तो यहाँ पहाड़ है। चिंता ना करें सरपंच जी, हम उसी काम के लिए ही इस गांव में आए हैं। ये मेरी दोस्त आभा जो कि एक डॉक्टर है, वो इस गांव का डॉक्टर का काम संभालेगी। ये मेरा दोस्त जो पेशे से एक इंजीनियर है, इस गांव की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखेगा। और मैं खुद जो कि एक कृषि वैज्ञानिक हूँ, इस गाँव के सभी किसानों को आधुनिक तरीके से कृषि करने के सभी तरीके सिखाऊंगा। पर आज अचानक ये सब आपके दिमाग में कैसे आया? सरपंच जी, जिस गांव में हम पले बड़े हैं, जहां की गलियों में हम खेले हैं, जिस गांव ने हमें इतना नाम दिया है, आज उस गांव को हमारी ज़रूरत है तो हम क्यों पीछे हटें? और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पूरा की योजना के बारे में आपने सुना ही होगा ना? पूरा? ये कौन सी योजना है? सरपंच जी, इस योजना का उद्देश्य ये है कि गाँव में ही लोगों को सभी तरह की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए, ताकि वह गाँव छोड़कर शहर ना जाएं, उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा गांव में महसूस ना हो। तभी पूरा का विस्तृत नाम है प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज टू रूरल एरिया। भगवान तुम्हारा भला करे बच्चों, काश हर इंसान आपकी तरह सोचे। इस गांव की परिस्थिति सच में बड़ी खराब है। इसमें तो हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा करना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, इस गाँव में एक पाठशाला और एक अस्पताल बनाते हैं। और मैं ऐसा करता हूँ कि सभी किसानों को आधुनिक तरीके से कृषि करने के तरीके सिखाता हूँ। अरे, आप लोग शहर से वापस आ गए? अरे डॉक्टर साहिबा, जब हमें सारी सुविधा यहीं हमारे गांव में मिल जाए तो फिर अपनी जन्मभूमि और घर परिवार को छोड़कर दूर दूर तक शहर में क्यों बसे?